हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्रिएटिंग फूड। आज मैं आपको चिकन टिक्का फ्राई दिखा रही हूँ। उसके लिए आपको इस तरह के थाई के पीसेस लेने हैं, इस तरह से कट कर लेना है आपको, चौड़े चौड़े पीसेस इस तरह से। और मैंने टिक्का मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 लेमन लिया है, कर्ड लिया है 2 टीस्पून, और कलर लिया है थोड़ा सा। कलर के बगैर आपको इसका लुक नहीं आएगा। हम एक बाउल लेंगे इस तरह का, इसमें पहले कर्ड को ऐड कर लेंगे, इसको फेंट लेंगे थोड़ा सा। आपको गाढ़ी दही लेनी है, बिल्कुल भी पतली दही नहीं लेनी है, वरना आप हंग कर्ड ले सकते हैं। इसमें टिक्का मसाला ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नींबू, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कलरफुल मसाला बनता है इसका। अभी हम थोड़ा मिक्स करने के बाद इसमें कलर ऐड करेंगे। इसमें हम चिकन पीसेस को ऐड करेंगे। मैं इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। मैं आपको टिक्का अवन में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सबके पास अवन नहीं होता है। मैं सिर्फ सिंपल इस तरह से ग्रिल पैन में दिखा रही हूँ, ताकि सबको आसानी हो। हम इसको थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। हम इसको पलट देंगे। अभी एक और बार पलटेंगे। मैं अभी इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अभी ये तैयार है। आप मेरी और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।